हाँ भैया सुंदर तो लग रही है, लेकिन इसका कलर तो नहीं हट जाएगा? अरे मुंबई से आई है, देख रहे हो बॉम्बे डाइंग लिखा है यहाँ पर। अच्छा मुंबई से आई है ये, जहाँ पर सेलिब्रिटीज रहते हैं। हाँ, है ना भैया? हाँ सेलिब्रिटी रहते हैं, उनको भी भेजता हूँ, ये भी इस पर ही सोते हैं। What? है हाँ। कैटरीना कैफ भी इस पर सोती है? वो तो दो लेके गई थी मेरे से। हाँ? दो लेकर गई थी आपसे? हाँ। और कौन कौन लेकर जाता है? अरे क्या बकवास कर रही हो, चादर चुपचाप। अरे नहीं नहीं रुको, पूछने तो कौन कौन लेकर जाता है भैया कैटरीना के अलावा कौन कौन लेकर जाता है आपके चादर? अरे आलिया भट्ट, आमिर खान, सलमान खान, सगे माचे कडून घेऊन जातात। हैं हैं, ये क्या बोला? मराठी बोला मैं। अच्छा अच्छा भैया आप सबको जानते होगे फिर तो? हाँ सबको जानता हूँ, सबको चादर दी है मैंने। ये देखो आलिया भट्ट के घर दी थी मैंने जब उसको बच्चा हुआ था। रेगुलर कस्टमर है मेरी वो। तो आपने उसको गिफ्ट दिया था? हाँ गिफ्ट दिया था, रेगुलर कस्टमर है ना। अच्छा दिखाओ भैया। देख लो ये पकड़ो। दिखाओ। अपने बिस्तर में बिछाऊंगी मैं भी, आलिया भट्ट वाली फील लूंगी ना, वो इस बेडशीट में सोती है मैं भी सोऊंगी, मैं भी उसकी तरह अमीर बनूंगी। वाह वाह वाह, मेरे सपने कितने ऊपर हैं और वो पूरे भी हो रहे हैं। आलिया भट्ट वाली चादर, वाह भैया कमाल कर दिया आपने तो। सपने तो आपके ऊपर है पर दिमाग आपका घुटनों पे ही है। फालतू की बकवास, कोई उल्लू बना रहा है आपको? आप उल्लू बन रही हो? पागल हो गए, उल्लू कैसे बना सकता है, मराठी है भैया, महाराष्ट्र से हो ना। थोड़ी बोल के दिखाओ। काय बोलूं ना, खुद मला आता। देखो देखो कितनी प्यारी मराठी बोल रहा है। तो क्या हो गया महाराष्ट्र ने? तो आपको आती है मराठी? अपनी लैंग्वेज में आती है, उसको देखो मराठी आती है। कुछ मत बोलो और बात सुनने दो। भैया एक तो मैं ये ले रही हूँ और प्राइस का मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी अमीर हूँ, मैं भी कुछ भी ले सकती हूँ। ये मुझे दे दो। बस एक ही, अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये दीपिका के घर भिजवाई थी मैंने। दीपिका पादुकोण? हाँ उसके। उसके घर क्यों भिजवा दिया आपने? जब उसकी शादी हुई थी ना तब उसको दिया था, रेगुलर कस्टमर है मेरी। आपका हर कोई रेगुलर कस्टमर।